एनर्जी शरीर का वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बिना हम कुछ भी नहीं, सिर्फ हार्ड मास का पुतला है। क्लियरली बोलूं तो वी ऑल आर एनर्जी। हमें मुंह चलाने से लेके पानी का ग्लास उठाने तक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। खुद ही सोचिए ना कि अगर हम बिस्तर पकड़ ले, बुखार आ गया, तो हमारा एनर्जी का लेवल कहाँ जाता है? डाउन हो जाता है ना, बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं होती। किसी भी काम को आप कितनी देर तक कर सकते हैं, कितनी एनर्जी के साथ कर सकते हैं, यही स्टैमिना कहलाता है। यही स्टैमिना आपके परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाता है। फिर वो परफॉर्मेंस चाहे खेल के मैदान में हो या फिर बेडरूम में दो लोगों के बीच में जो काम क्रिया चलती है उस दौरान हो, दर्शाता तो है ना कि हाँ कितनी देर तक किया और कितना बढ़िया खेला। लेकिन ये एनर्जी, ये स्टैमिना आता कहाँ से है? खाने पीने से। अब हर इंसान कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो भूखा सो रहा है। लेकिन फिर भी किसी का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है तो किसी का एकदम पीक पे। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी आपका खान पीन ही जिम्मेवार है कि आप अपनी बॉडी को दे तो रहे हो, खा तो रहे हो, पी तो रहे हो, लेकिन वो चीज है जो आपकी बॉडी को चाहिए जिससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन हो और जो मेंटेन है वो और बढ़ सके। ऐसा आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो? बॉडी को दे रहे हो जो रोज खा रहे हो, उससे सिर्फ डेली बेसिस की एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है डेली बेसिस के रूटीन के कार्य करने के लिए। लेकिन आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते जिससे आपके जब पसीने छूटते हैं तो हालत खराब हो जाती है, यार मैं तो हाफने लग गया, अब मैं क्या करूं, इतनी जान नहीं है, इतने पैरों में अब जान नहीं है कि चार सीढ़ियां चढ़ सकूं। वहां पे आपका जो एनर्जी लेवल है पता लगता है कि यार स्टैमिना नहीं है अगले में। ये हालात आ जाते तो पता लगता है यार बेड पे क्या परफॉर्म करेगा, क्योंकि एनर्जी तो वहां भी चाहिए ना, स्टैमिना तो वहां भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगता है कि यार अब बॉडी में वो जान नहीं रही, वो पहले वाला एनर्जी नहीं रही, स्टैमिना भी डाउन रहता है, तो उस फेज से जब आप गुजर रहे होते हैं ना, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी को कोई एडिशनल सपोर्ट दो, हर्ब्स का, न्यूट्रिशन का, कुछ ऐसा सुपर फूड जो आपके अंदर जो एनर्जी है उसे बढ़ा सके, आपका स्टैमिना बिल्ड कर सके। ऐसी एक एडिशनल सपोर्ट से मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है, दैट इज बुल राइडर। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, शिलाजीत, कौंच के बीज, अश्वगंधा, सफेद मूसली, इन सब का मिश्रण है ये। गोल्डन कलर की कैप्सूल है, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद आपको लेनी है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये आपके ना केवल सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए बल्कि ऑल ओवर फिजिकल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। आपका एनर्जी लेवल, आपका स्टैमिना, आपके परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ा देगा। इसे यूज करके देखिए, 2 से 3 महीना तो आप इसे यूज करके देखिए। तो वही बात है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसका जो प्रोडक्ट का जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, 10% डिस्काउंट भी उसमें अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी अवेलेबल है, वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं। दिखाइए और अपना एनर्जी लेवल बढ़ाइए और अपने पार्टनर को संतुष्ट कीजिए फुल ऑफ एनर्जी के साथ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।